If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is so you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you are not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzoor ne irshad farmaya, hubbuka shay yu'mi wa yusir. Jab insaan ko kisi se pyar ho jata hai to pyar insaan ko andha bhi kar deta hai aur behra bhi kar deta hai. जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार इंसान को अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है. इश्क हो जाए ना तो इश्क इंसान को अंधा कर देता है. आप देखते नहीं हमारे माशरे में, किसी से प्यार हो जाए तो इंसान अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है. अब इसका मतलब क्या है, अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, इसका माना क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके महबूब में कोई ऐब हो तो प्यार आपको ऐसा अंधा कर देता है कि ऐब हो भी तो ऐब नजर नहीं आता. कोई बताने वाला बता रहा हो, बार बार बता रहा हो कि इसकी सूरत देख, इसकी शक्ल देख, इसका कद देख, इसका इलम देख, इसका कलाम देख, अंदाजे तकल्लुम देख, गुफ्तार देख, किरदार देख, तुझे इतने ऐब नजर नहीं आ रहे. वो कहते बस अब जब दिल दे दिया है तो अब ऐब नजर नहीं आते. इश्क हो जाए, प्यार हो जाए तो प्यार अंधा होता है. अच्छा, मैंने ये काफ़ी अर्सा पहले एयरवाई पर ये तकरीर की तो किसी ने कहा ये बॉलीवुड के डायलॉग्स आपने कहाँ से सीखे? मैंने कहा अकल के अंधो, तुम्हें शायद बॉलीवुड देखने का मौका मिल रहा है, हमारे आका की हदीस है, हमने ये आका से सीखा है. प्यार हो जाए तो प्यार अंधा कर देता है. ये कहीं मूवी से नहीं डायलॉग आए, लेकिन अफसोस की बात है आका की बातें भी अगर किसी को मूवी से मिले तो वो समझता है ये मूवी की बात है, आका की बातें नहीं है. हम अपने दीन से इतना दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यार अंधा कर देता है. देखिए, अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, किसी चीज़ को आप अपना लें, वो इंसान हो या कोई गाड़ी हो या कोई बंगला हो या कोई मोबाइल फ़ोन हो या कोई घड़ी हो या कोई लिबास हो, जब आप किसी को अपना लें ना, जब आप किसी चीज़ को अपना लें तो अपनाने के बाद फिर आपको ऐब नज़र नहीं आता, आपको डिफेक्ट नजर नहीं आता. लेकिन शर्त यह है कि आप उसे अपना लें. अगर अपनाया नहीं है, अपनाने के हवाले से किसी तजब्जुब का शिकार हैं, तो फिर ऐब नजर भी आएंगे, सुनाई भी देंगे. आप किसी दुकान पर जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मुझे फुलां गाड़ी चाहिए, जिस किस्म की गाड़ी चाहिए उस किस्म की बेशुमार गाड़ियां वो दिखाते हैं, कहते हैं ये देख लो. अब देखते हैं, अब जब तक आपने वो गाड़ी खरीदी नहीं, जब तक आपने उस गाड़ी को अपनाया नहीं, आप उसमें डिफेक्ट्स तलाश करेंगे, बड़े मेटिकुलसली देखेंगे, नहीं इसमें ये भी डिफेक्ट है, इसमें ये ऐब है, फलां ऐब है, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, ये फलां हवाले से बुरी है, फलां हवाले से बुरी है, फलां एतबार से बुरी है. अब आपको ऐब नजर आ रहे हैं, आपको कोई साथी है वो आपको बता रहा है इसमें फलां ऐब है, फलां ऐब है, आपको सुनाई भी दे रहे हैं. आप उयूब के हवाले से डिफेक्ट के एतबार से अंधे भी नहीं है, बहरे भी नहीं है, लेकिन जो ही सौदा हो जाता है, किसी गाड़ी का आप इंतखाब कर लेते हैं, जब खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद अब जब आप घर जा रहे हैं, आपको वही दोस्त जो आपको पहले बता रहा था इसमें फलां ऐब है, फलां नक्स है, फलां डिफेक्ट है, अब वो भी जुरत नहीं करेगा कि आपको बताए कि ऐब है, क्योंकि अब वो गाड़ी आपकी अपनी हो गई है. अगर वो जुरत करे भी तो आप कहेंगे नहीं मुझे नजर नहीं आते, मुझे दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने अपना लिया है ना, आपने उस गाड़ी को अपना लिया है. जब आप मकान ले लेते हैं फिर कोई जरूरत नहीं करता कि फलां चौधरी साहब आपके मकान में फलां डिफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका अपना हो चुका है, अब कोई नहीं कहेगा. अब उसे ऐब ना नजर आते हैं ना सुनाई देते हैं. जब तक खरीदा नहीं था नजर भी आ रहे थे, सुनाई भी दे रहे थे, कोई बताने वाला बता रहा है, आप बहरे नहीं है, सुन रहे हैं, नाबी नहीं है, अखियारे हैं, बिनाई है, देख रहे हैं, लेकिन जू ही अपना लिया अब ऐब नजर भी नहीं आ रहे, अब ऐब सुनाई भी नहीं दे रहे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो दुनिया की ऐबदार चीजों की अलामत है, दुनिया
दुनिया की वो चीजें जिनमें ऐब होते हैं, जब प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। जिन चीजों में ऐब का इम्कान है उनसे प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ऐब सुनाई नहीं देते। ये तो दावा है उस आका से प्यार का जिसे अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है। ऐबदार चीजों से प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, बेऐब आका से प्यार का दावा है। फिर भी कहता है इल्मे गैब नहीं रखते, नूर नहीं है, हाजिर और नाजिर नहीं है, पुकारो तो सुनते नहीं, मदद फरमा नहीं सकते, जिंदा नहीं है, हमें जानते नहीं है, हमें देखते नहीं है, हमें सुनते नहीं है, दुनिया का इल्म नहीं है। ऐब तलाश करने वाले झूठे प्यार के मुद्दई, तू झूठ बोल रहा है, तुझे प्यार नहीं हुआ। अगर प्यार होता तो तू दिल से कहता, हाँ मेरे आका सबबे वजूदे कायनात हैं, मेरे आका मिस्दाके लौ लाका लमा खलकतुल अफलाक हैं। अगर ये न होते जमीन होती, अगर ये न होते आसमान होते, अगर ये न होते चांद तारे न होते, अगर ये न होते कशाई न होती, अगर ये न होते कायनात में कोई शय पैदा ही ना की जाती। ये सारा जहां उन्हीं के लिए बनाया गया है। अगर सूफिया के मैं कदे से हासिल करने वालों की बारगाह में तू जानू तलम्मुस तय करता तो तू दिल से कहता, ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबा चहक लबे जो झलक, ये महक झलक ये चमक थमक, सब उसी के दम की बहार है। तू दिल से कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, कुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। ये तो इकबाल का कलाम है, इकबाल का अंदाज अपना है, लेकिन बरेली का मुहद्दिस उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है। वो कहते हैं ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबा चहक लबे जो झलक, ये महक झलक ये चमक झमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सोसन या समन, ये समन ये सोसन या समन, ये बनफ्श सुम्बुल नस्तरन गुलो सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है, एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब बना, पादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, पादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है। महिबा, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। जब प्यार हो जाए ऐब हो भी तो नजर नहीं आता, ये तो है ही बेऐब, इनमें ऐब कैसे तलाश करता है, इनमें ऐब कैसे तलाश करता है, इनमें ऐब, अब इनमें भी ऐब तलाश करे पता चला तुम मुनाफिक है आशिक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार यही अल्लाह से प्यार है। इश्क की आड़ में हम शिर्क नहीं करते, इश्क की आड़ में हम शिर्क नहीं करते, और तौहीद की आड़ में तौहीन भी नहीं करते।
क्या सुना आपने? मैंने क्या कहा? इश्क की आड़ में शिर्क नहीं करते और तौहीद की आड़ में तौहीद भी नहीं करते। क्या मुवाहिद हैं और तौहीद की आड़ में उनकी तौहीन करना जो उनकी तौहीन करे फिर बचता कुछ नहीं है। या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौका सौतिन नबी। क्या होता है? शऊर तक नहीं होता, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। ये भी बता दूं, उम्मत मुसलमान तो शिर्क कर ही नहीं सकती। कलमा गो मुसलमान शिर्क नहीं किया करता। ये उम्मत तौहीद है, ये उम्मत शिर्क नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाही मा खौफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलकिन खौफु अलैकुम अन ततनाफसु फी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम पर कसम इरशाद फरमाई, मुझे अल्लाह की कसम तहकीक है मेरे उम्मतियों मेरे बाद मुझे तुम शिर्क का कोई खौफ नहीं। सही बुखारी की हदीस है। अगर आप इसको महसूस नहीं कर पाए तो फिर पढ़ देता हूँ। तकरीर की जाती है इसलिए ताकि मुखातबीन महसूस करें। खतीब का काम है, देखिए जब खतीब खिताबत करता है ना तो हर किस्म के बंदे फिर सवाल करते हैं, पता नहीं कैसा बोला है, आज बोल नहीं पाया, अच्छा बोला है, बुरा बोला है, दलाइल अच्छे थे, शायद मिसालें मुश्किल थी। हर बंदा पढ़ा लिखा भी तनकीद करता है, तबसरा कर रहा होता है, पट्टे पर बैठा अंगूठा छाप भी तबसरे कर रहा होता है, ऐसा होता है ना। तो जब मजमे को खतीब का इम्तिहान लेने का हक हासिल है तो खतीब को भी हक है ना वो मजमे का इम्तिहान ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं, कहा जाता है शिर्क कर रहे हो, मुशरिक हो गए हो, कुफर कर रहे हो, ईमान बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ, और ये भी कहा जाता है, भाई हम तो आपकी खैरखा हैं, खैर अंदेश हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं भाई, बड़े खलूस से कहा जाता है, बड़े प्यार से कहा जाता है, हम आपको शिर्क से बचाना चाहते हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है, आपकी खैरखा हैं भाई, हम आपको शिर्क से बचाना चाहते हैं, कुफर से बचाना चाहते हैं, हमें आपसे प्यार है, आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। एक जवाब दे दीजिए, सही बुखारी की हदीस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। हे मेरे उम्मतियों, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं, कोई खौफ। हुजूर ने अल्लाह की कसम इरशाद फरमाई, हुजूर अल्लाह की कसम इरशाद फरमा कर फरमा रहे हैं, हे मेरी उम्मत, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का कोई खौफ, कोई खौफ नहीं। ज़ईफ हदीस नहीं है, सही बुखारी की हदीस। कलमा गो मुस्लिम जब कलमा पढ़ लेता है वो शिर्क नहीं किया कर। अब कोई कहे मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, हाँ बहुत होगी, लेकिन तू मेरा मामा लगता है, तू मेरा क्या लगता है? वो जो मेरे लगते हैं, जिनको मुझसे प्यार है, जो मेरे लिए रातों को उठ के दुआएं करते रहे, वो कहते हैं मुझ मोहम्मद को अल्लाह की कसम तुम शिर्क नहीं कर सकते। तू दीन का ठेकेदार लगता है, तुझे बहुत खौफ है, मैं उनकी मानू या तेरी मानू? उनकी बात मानू या तेरी बात मानू? वो फरमा रहे मुझे अल्लाह की कसम। अच्छा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये खिताब सहाबा तक महदूद नहीं है, अगर कोई सहाबा तक महदूद करे तो इसमें सहाबा की तौहीन लाजिम आती है। दूसरे जुमले पर मेरा खिताब सुन लीजिए, the prophet sallallahu alaihi wasallam said indeed by allah o members of my nation I do not fear shirk from you. This is a hadith of rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inni wallahi, indeed by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you." Meaning the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one who recites shahada, one who recites la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he can never commit shirk. Agar bid'at ho rahi hai to us par hum bhi kalam karte hain ki ye bid'at hai, lekin Allah ke waliyon ko manne wala shirk nahi kar sakta. ख्वाजा गरीब नवाज दाता अली हजवेरी की बारगाह में जाकर चिल्ला करते हैं कि नहीं,
सब जानते हैं, दाताली हजवेरी की बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज जानते हैं, जाके चिल्ला करते हैं ये कौन ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे कब्रों पर जाने वाले 90 लाख को कलमा पढ़ाते हैं, कब्रों के मुनकिरों तुमने कितनों को कलमा पढ़ाया है? कब्रों पर जाने वाले, कब्रों पर चिल्ला करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अगर 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तू कब्रों का मुनकिर है, तू बता तेरे अकाबरीन ने कितनों को कलमा पढ़ाया, कितनों को पढ़ाया? अरे जो मुस्लिम है तो उनका मुशरिक कहता है, वो तो मुशरिकों को मुस्लिम बनाते थे। मेरे महबूब की बारगाह में आवाज भी बुलंद हो गई, सब आमाल बर्बाद, सब आमाल बर्बाद, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोजा, तुम्हारे हज, ज़कात, तस्बीहात, खिताबात, बयानात, शेखुल हदीस हो, शेखुल कुरान हो, शेखुल तफसीर हो, मुहद्दिस, मुकर्रर, खतीब, आलिम, जो कुछ भी हो, रोजे कयामत सब कुछ मुंह पे मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि महबूब की तौहीन की है, महबूब की गुस्ताखी की है। और फर्क देख लो, मुशरिक के लिए ये नहीं फरमाया कुरान करीम में, जहां मुशरिक का फरमाया वहां ये नहीं फरमाया, शिर्क भी यकीनन इबादत को खत्म कर देता है, लेकिन ये नहीं फरमाया जो शिर्क करेगा इबादत खत्म हो जाएगी और उसे इबादत की तबाही का अंदेशा और इल्म भी नहीं होगा, ये नहीं फरमाया कुरान में, ये नहीं फरमाया। अगर कोई शिर्क करता है तो शिर्क करने के बाद उसके आमाल तो बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं फरमाया कि आमाल की बर्बादी का शऊर नहीं होगा, ये नहीं फरमाया कि आमाल की बर्बादी का शऊर नहीं होगा। यानी अगर किसी ने गुनाह किया, अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, तो इबादत सारा तकवा वो तो बर्बाद हो ही जाता है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि इबादत और आमाल की बर्बादी का शऊर भी अल्लाह छीन लेगा, ये नहीं फरमाया। क्योंकि अगर शऊर हुआ वो तौबा कर लेगा, कलमा पढ़ लेगा। लेकिन हुजूर के गुस्ताख के मुतल्लिक क्या फरमाया? फरमाया अगर मेरे महबूब की गुस्ताखी की आमाल भी बर्बाद और आमाल की बर्बादी का शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह फरमा रहा है अगर शऊर दे दिया तू तौबा कर लेगा, अरे महबूब के गुस्ताख अगर गुस्ताखी की तू जुब्बा भी पहने रखेगा, तू नमाजें भी पढ़ाएगा, तू रोजे भी रखेगा, तू तकरीरें भी करेगा, तू इबादत भी करेगा, आखिरत में फखर से जाएगा मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, शेखुल कुरान हूँ, लेकिन अल्लाह ने तेरे तमाम इबादत को बर्बाद कर दिया, तुझे बर्बादी का शऊर तक नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह तौबा का मौका ही नहीं देना चाहता। तो हुजूर की गुस्ताखी का मसला ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें गुस्ताखी का शऊर ही नहीं होगा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका, सब कुछ तबाह हो चुका। इसीलिए इश्क की आड़ में हम शिर्क नहीं करते, तौहीद की आड़ में तौहीन भी नहीं करते। और याद रखिए, ये भी हमारी खाम ख्याली है, कज फहमी है, कम अकली है, कम इल्मी है, जो हम मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत इलाही से जुदा कर देते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अगर कोई कहे हम मोहब्बत मुस्तफ़ा वाले हैं, दूसरे मोहब्बत खुदा वाले हैं, और वो कहे हम मोहब्बत खुदा वाले हैं, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा वाले हैं, तो मेरे भाइयों आपने दीन की मुबादियात तक कभी इल्म नहीं पढ़ा। वो एक साहब थे, उनके उस्ताद ने उन्हें कहा, उनकी आंख में कुछ खराबी थी, आंख में कुछ खराबी थी, उस्ताद ने कहा वो आईना ले, आईना ले। तो आईना उठाने के लिए गए तो आंख की खराबी की वजह से एक आईना उन्हें दो नजर आता, दो नजर आ रहा, देखा तो दो नजर आ रहे हैं। उस्ताद के पास गए, कहा उस्ताद साहब आपने कहा आईना ले आओ, वहां एक तो नहीं है, वहां दो है। उस्ताद ने कहा अच्छा, वो भी इम्तिहान लेना, उसने कहा अच्छा ऐसा करो उन दो में से एक को तोड़ दो, दूसरा ले आओ।
एक को तोड़ दो, दूसरा ले, वो जाता है पत्थर फेंकता है, एक को तोड़ता है, देखता है दूसरा भी टूट गया। वो कहते हैं उस्ताद साहब असल में मसला ये है, मैंने आपके हुक्म पर एक को तोड़ा, दूसरा भी टूट गया। उस्ताद ने कहा अकल के अंधे, वहां था ही एक मोहब्बत मुस्तफा और मोहब्बत इलाही में हद इम्तियाज तलाश करने वालों, हद फासिल तलाश करने वालों, यहाँ इस दुनिया में, इस दुनिया में मोहब्बत मुस्तफा पर पथराव करने वाले जब मोहब्बत इलाही का दावा लेकर वहां उठेंगे तो देखेंगे मोहब्बत मुस्तफा के आईने के साथ मोहब्बत खुदा का आईना भी टूट चुका है। वो एक था दो नजर आ रहे थे, दो नहीं मोहब्बत मुस्तफा ही मोहब्बत खुदा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उम्मत से मोहब्बत करते हैं। और आका की उम्मत से मोहब्बत क्या है, सवालात हैं, मैं इसी गुफ्तगू में उन्हीं सवालात के जवाब दे देता हूँ। मेरे आका ने अपने सहाबा से एक मतलब इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा तुम्हारे नज़दीक, ये उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा तुम्हारे नज़दीक सबसे अजीब ईमान किसका है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजीलत की बात नहीं हो रही, अफजलियत की बात नहीं हो रही, सबसे अजीब आजब ईमान किसका है, अजीब तर ईमान किसका है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका का, फरिश्तों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ आका को आपसे कितना प्यार है, कितना प्यार है आका का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंद रब्बिहिम, फरिश्तों के ईमान में कौन सी अजीब बात है, वो तो अपने रब के करीब होते हैं, वो तो अपने रब के पास होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अंबिया का ईमान अजीब है, अंबिया का ईमान अजीब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हम पर तो अल्लाह की वही नाज़िल होती है, ये बताओ अजीब ईमान किसका, सबसे अजीब ईमान किसका। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फनहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब हो, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चेहरा वद्दुहा को देखते हो, तुम तो मेरे गुंगरियाले बालों को देखते हो, तुम तो मेरी काली चादर को देखते हो, बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम इबन माजा और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की तीन हदीसों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझ मोहम्मद के नज़दीक, मेरे नज़दीक सबसे अजीब ईमान मेरे उन आशिकों का होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं सुन रखा है। कोई था 1400 साल पहले जो मेरी मोहब्बत में रोया करता था, जो रातों को उठ उठ के उम्मत के प्यार में क्रियाजारी करता था। हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबका ईमान प्यारा है लेकिन मुझ मोहम्मद अरबी के नज़दीक सबसे अजीब ईमान मेरे उन उम्मतियों का होगा जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन मेरी एक झलक की खातिर, मेरे दीदार की खातिर अपनी जान मान और औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मुबारक उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, मुबारक उन्हें
जिन्होंने मेरे हुसन को देखा और ईमान लाए, सात सात मुबारक उन्हें जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और ईमान लाएंगे। सात सात मर्तबा जिन्होंने देखा उन्हें फरमाया मुबारक हो एक मर्तबा, और फिर फरमाया सात सात मुबारक उन्हें मेरे उन आशिकों को जिन्होंने देखा भी नहीं, देखे बगैर बंगलोर में इश्क मुस्तफा के तराने अलाप रहे हैं। सात सात मुबारक हो उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार है। सवाल करने वाले मेरे भाई समझ ले, जान ले इस बात को, हमारे आका उम्मत से प्यार करते हैं और उम्मत को जानते हैं, हर हर उम्मती को जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं। और तेरा ये कहना मौत के मुतल्लिक, मैं सिर्फ इतना बता दूं, अल्लामा इस्माइल हक्की ने वो इरशाद फरमाते हैं रूहुल बयान में, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ये परेशानी लाहिक हुई कि कहा जाता है मोमिन की मौत बड़ी आसान होती है, मोमिन की मौत बड़ी आसान होती है, लेकिन हमने तो लोगों को इस हाल में देखा कि जुबानें निकल आई हैं, जबड़े टेढ़े हो गए हैं, चीखें निकल जाती हैं नजा की सख्तियों में जब इंसान मुबतला होता है। इस्माइल हक्की यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे कि मोमिन की आसान मौत कैसे होती है, जब रूह कब्ज की जाती है तो बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना होती है, लेकिन मोमिन को आसानी कैसे मिलती है। यही सोचते सोचते सो गए, आंख बंद हुई, किस्मत की आंख खुल जाती है, किस्मत अंगड़ाई लेती है, कौनैन के वाली का दीदार होता है। आकर इरशाद फरमाते हैं इस्माइल हक्की, मिस्र की औरतों ने देखा क्या हुआ, सूरह यूसुफ अल्लाह इरशाद फरमाता है उन्होंने कत्ता न ऐ दिया हुन, उनकी उनके हाथों में छुरियां थी, हाथ काट दिए, हाथ काट दिए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर इस्माइल हक्की को बता रहे हैं, सूरह यूसुफ का मुताला कर जवाब मिल जाएगा, सूरह यूसुफ का मुताला कर, मैं आपकी वाह पर आपको वाह कहता हूँ, मैंने अभी बात बताई नहीं आप मंजिल तक पहले ही पहुंच गए, मैं आपकी दाद पर आपको दाद देता हूँ, लेकिन जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़े पहुंचा दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने जब देखा उंगलियां कट गई, दर्द महसूस नहीं हुआ। देखो औरत हो, उंगली कट जाए चीख तक ना निकले, कहे ये तो बशर नहीं है, ये तो बशर नहीं है। कुरान कहता है सूरह यूसुफ में ये बशर हो ही नहीं सकता, कहा दर्द हुआ महसूस नहीं हुआ, ये हुस्ने यूसुफी का असर है, जब आशिक मरता है जो दुनिया में इस मुस्तफा के तराने अलापता रहा, आका को पुकारता रहा, जब उसकी रूह कब्ज की जाती है आमना का लाल आता है, मदीने वाले का दीदार करता है, आका का दीदार करता है, रूह कब्ज की जाती है, दर्द होता है महसूस नहीं होता, महसूस नहीं होता। उसने यूसुफ का असर है या उसने मुस्तफा का असर है, वहां उंगलियां कट जाए औरतों को दर्द नहीं होता, यहां मर्दों की गर्दनें कट जाए दर्द क्यों हो। कहने को तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, लेकिन अब सवालात इतने आ गए हैं। एक सवाल मिलाद शरीफ के हवाले से कि मिलाद शरीफ पर कुछ उलमा कहते हैं बिदअत है, कुछ कहते हैं सुन्नत है, तो आप वजाहत कर दें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में सराहतन आपको बताना चाहता हूँ, वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद मामूलात हैं जो बिदअत हैं, असलन मिलाद सुन्नत है। असलन मिलाद मनाना क्या है? सुन्नत है। याद रखिए मिलाद मनाना क्या है? किसकी सुन्नत? आका की सुन्नत, आका की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा किराम ने मिलाद मनाया। आप रेफरेंस ले लें,
आज के बाद कोई आपसे कहे कि मिलाद सुन्नत है, इसको साबित करें, तो सराहतन दलाइल पेश करता हूँ। दलाइल पेश करने में मेरा तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ इस हवाले से है। मैं चाहता हूँ कि जो दो टोक अल्फाज में सराहतन जवाब बदअकीदा को दिया जाए वो ऐसा हो कि उसके बाद भी वो जवाब न दे सके, उसको लाजवाब लाजवाब कर दे। ये जवाब ऐसा है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद सुन्नत है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए मिलाद है क्या। खैरा चंद लम्हों की बात है। ये अजीज साहब ने भी सवाल किया है मिलाद शरीफ के हवाले से। इस बात को समझ लीजिए कि लफ्ज मौलिद ये मस्दर भी है, मस्दर मीमी कहते हैं। कुछ मसादिर ऐसे होते हैं जिनमें मीम आता है। मौलिद ये मस्दर भी है जिसे इंग्लिश में वर्बल नाउन कहते हैं, और ये इसमें ज़र्फ भी है, ज़र्फ ज़मान भी है, ज़र्फ मकान भी है। अगर मस्दर है तो मस्दर का माना ये होता है हुजूर की पैदाइश, हुजूर का मिलाद। The actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the masdar. The verbal noun is the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And zarf is either the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we commemorate and celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it can denote the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also the birth time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the time of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually Rabiul Awwal Sharif. That is Rabiul Nur Sharif. That is the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we say we commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we say Maulid is established directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we say we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is established directly from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the word Mawlid, it can denote the actual birth, and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Mawlid ke teen maana, ek maana huzur ka milad yani huzur ki paidaish, dusra paidaish ka waqt, teesra paidaish ki jagah. To in teenon ke liye lafz Mawlid istemal hota hai. एक मौलिद क्या है? हुजूर की विलादत, दूसरा विलादत की जगह, तीसरा वक्ते विलादत, दिन विलादत का दिन, यौमे विलादत या वक्ते विलादत, ये तीन माना है। जब हम कहते हैं मिलाद सुन्नत है तो इसका माना ये है हुजूर का मिलाद मनाना सुन्नत है, यानी हुजूर की आमद पर मसर्रतों का इजहार करना, खुशियां मनाना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। इस सुन्नत को हम बराह रास्त हदीस से साबित करते हैं। मिलाद है क्या? मिलाद चूंकि हम मिलाद मनाते हैं तो ये हमारा हक है कि हम मिलाद को डिफाइन करें कि मिलाद की डेफिनेशन क्या है। अब कोई और डिफाइन करके, कोई और तारीफ करके मिलाद की, हमें कहे कि यूं मिलाद साबित करो, हम कहेंगे हम प्लेंटिफ्स हैं, हम क्लेमेंट्स हैं, हम मुद्दई हैं। जो मिलाद मनाता है, जिसका दावा है, अपने दावे की तारीफ वो खुद करेगा ना। हम मुद्दई हैं मिलाद मनाने के, अगर हम मुद्दई हैं, हम क्लेमेंट्स हैं वो डिफेंडेंट्स हैं, हम प्लेंटिफ्स हैं वो डिफेंडेंट्स हैं, हम मुद्दई हैं वो मुद्दा आलेही हैं, और मुद्दई का काम है कि वो डिफाइन करे, डेफिनेशन बताए कि ये मिलाद है। हमारे नज़दीक मिलाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के विलादत के मौजज़ात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये मिलाद है। सो मिलाद क्या है? मिलाद में क्या किया जाता है? महफिल मिलाद में अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर बजा लाते हुए कि है अल्लाह तेरा करम, तेरी इनायत कि तूने अपना महबूब अता फरमा दिया। महबूब अता फरमाना कोई छोटी बात नहीं। क्या कभी कोई किसी को अपना महबूब देता है? क्या कोई कभी किसी को अपना महबूब देता है? देना तो दूर की बात है, जिससे प्यार हो जाए लोग अपना महबूब किसी को दिखाते भी नहीं, दिखाते भी नहीं। देना को दूर वो तो छिपाते हैं, मेरा प्यारा है बस मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे, क्यों दिखाएं भाई? वो करीम रब है, वो फरमाता है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बासफीम रसूला। अरे मैं एहसान वैसे नहीं जतलाता, नमाज दी एहसान नहीं जतलाया, रोजा दिया एहसान नहीं जतलाया, इबादत दी एहसान नहीं जतलाया, सब कुछ दिया एहसान नहीं जतलाया। हाँ अगर महबूब दे दिया है तो कोई छोटी चीज दी है, इस पर एहसान जरूर जतलाऊंगा। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बासफीम रसूला, वो एहसान जतलाता है क्योंकि अपना महबूब हमें दे दिया, महबूब दे दिया है। और जब महबूब दिया तो एहसान जतलाया, अगर एहसान जतलाएगा तो अगर हम उसके बंदे हैं तो हमारा हक बनता है कि कोई एहसान करे न जतलाए फिर भी शुक्रिया अदा करो, वो जतला रहा है तो हम मिलाद क्यों ना मनाएं?
वो जतला रहा है, खुद फरमा रहा है मैंने एहसान किया, याद दिला रहा है मैं, फिर भी हम मिलाद ना मनाए, हमसे बड़े बड़ा बदबख्त कौन होगा। वो फरमा रहा है कि मैंने महबूब दे दिया, और हम ये भी ना कहें मौला तेरा शुक्र तूने महबूब दे दिया। अब ये तो कुरान की आयत है, अब एतराज ये होता है, अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि वबिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहु, अल्लाह के फजल, कुरान अल्लाह के फजल और अल्लाह के रहमत पर खुशियां मनाओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फजल इल्म है और रहमत हुज़ूर है। रहमत कौन है? हुज़ूर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इस रहमत पर, बिफ़ज़लिल्लाहि वबिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहु, खुशियां मनाओ, खुशियों का इजहार करो। इब्ने अब्बास जिन्होंने बराह रास्त मिशकाते नबूवत से इल्मे तफसीर सीखा, आका से इल्मे तफसीर सीखा, वो खुद फरमा रहे हैं रहमत इस आयत में ज़ाते मुस्तफा। और अगर कोई उनकी तफसीर नहीं मानता और जानना चाहता है रहमत कौन है, आज की तकरीर सुन ले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमत है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब की आमद पर खुशियों का इजहार करो। एतराज जो बात तुम समझे वो सहाबा ने क्यों नहीं समझी? जो बात तुमने समझ ली है भाई, अगर मिलाद इतनी अहमियत का हामिल होता तो सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? ये कहा जाता है कि बिदत है, अच्छी बिदत होगी, लेकिन सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। तो आज आपको बता दूं, मिलाद और सीरत कमेटी के अहबाब और सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक के तमाम कारकुनान, आपको मुबारक हो, आप वो काम कर रहे हैं जो सहाबा ने किया, आप वो काम कर रहे हैं जो आका ने खुद किया है। कैसे किया है? सबसे पहले ये समझ लीजिए मिलाद क्या है, आका की विलादत के मौजजात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तूने अपना महबूब दिया है, ये मिलाद है और ये हमने साबित कर दिया। अब समाअत फरमा लीजिए, हज़रत खुरैम बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان امدحك। حضرت عباس رضي الله تعالى عنه حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری ایک تمنا ہے میری ایک خواہش ہے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں انی اريد ان امدح। اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ, غزوہ تبوک کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے, ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 کا مجمع, 30,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں, کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ موجود ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। अब नात पढ़ने के हवाले से लोग कहेंगे ये नात ही है ना, मिलाद कहां है? लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये नात फकत आका की तारीफ नहीं है, ये नात सराहतन मिलाद है, सराहतन मिलाद है, ये सारी नात है ही मिलाद है मुस्तफा। नात के अल्फाज समाअत फरमाएं, नात पढ़ते हैं, وانت لما ولدت اشرقت الارض, ولدت, ولدت क्या है? ولد يلد, आका आपका जब मिलाद हुआ, आका आपका जब मिलाद हुआ, انت لما ولدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो गई। आका जब आपका मिलाद हुआ, ये रोशनी रोशन बेग साहब आपको भी मिले, आका जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो गई। ये हदीस, इस हदीस में ये पूरी नातिया कलाम है, इस तमाम नातिया कलाम के हर मिसरे में मिलाद का जिक्र, हर मिसरे में मिलाद का जिक्र, और ये हदीस सही हदीस है। हदीस के हवाले सुन, ये एक रिवायत नहीं है, एक हवाला नहीं दे रहा, आका की 12वीं के सदके 12 हवाले दे रहा, 12 हवाले दे रहा। ये हदीस कहां है? आज के बाद कोई कहे मिलाद बिदअत है, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिदअत है, आप कहें ना बिदअत नहीं है, ये 30,000 सहाबा की सुन्नत है, 30,000 सहाबा की सुन्नत है, 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में आका का मिलाद मनाया।
और मिलाद भी ऐसा कि हर शेर में आका की विलादत का जिक्र, हर शेर में आका के मिलाद का जिक्र है। कोई कहे हदीस कहाँ से लाए हो भाई, हमने ये हदीस नहीं सुनी, हम तो समझते थे कि बिदात है। ना ना, पहले लफ्ज़े मिलाद को डिफाइन करें, इसकी तारीफ बयान करें, मिलाद है क्या, ये जरूरी है। हमें मार उस वक्त पड़ती है जब मिलाद का तारुफ नहीं कराते, हम लाइट साबित करना शुरू कर देते हैं, झंडे लहराना शुरू कर देते हैं। ये झंडे इसको साबित करने की जरूरत नहीं, मिलाद की असल साबित करें। अल्लाह का ये काम नहीं है कि अल्लाह आपको कुरान में ये इरशाद फरमाए कि फलां दुकान से इस किस्म की लाइट्स लाएं, फलां दुकान से इस किस्म के झंडे बना के लाएं। क्या हमने ये साबित करना है? इस्लाम का काम तो ये है कि उसूल दे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाली मुख्तलिफ लाइट्स और मुख्तलिफ डेकोरेशंस हदीस में बयान करने थे, ये हुजूर का काम तो नहीं है। और अगर यही हुजूर का काम होता तो कादरिया मस्जिद बनाने वालों को ये खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है, क्या ये हदीस में आप तलाश कर रहे हैं? क्या हदीस में तलाश किया था? हुजूर ने फरमाया ऐसी मस्जिद बनाना, ऐसा सारा मस्जिद का सिलसिला, इस किस्म की रोशनी हो, इस किस्म का स्टेज हो। और मिलाद के जितने मुनकरीन इनकार करते हैं और मिलाद को नहीं मानते, वो कहते हैं ये लाइट साबित करो, ये झंडे साबित करो, ये तुम्हारा मिलाद मनाने का जो तरीका है। हम कहते हैं नहीं, हम मिलाद को कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे। ये झंडियाँ, ये तो वक्त के गुजरने से ये नई चीज़ें ईजाद होती रहती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये बिदत है। आप कहो तो ठीक है, तो क्या आप अपनी तमाम मसाजिद को शहीद कर दो? क्या हुजूर के दौर में ऐसी मसाजिद थी, ऐसी रोशनी थी, ऐसी लाइट्स थी? कहते नहीं 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 नहीं, मस्जिद बनाना कुरान और सुन्नत से साबित है। ये मरूरे जमाना के साथ चीजें ईजाद हो जाती हैं। हम कहते हैं मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित है, बाकी दुनिया की बिदअतें हैं वो जायज हैं सारी। अब बात समझ गए ना? हम जब कहते हैं ना कि भाई हुजूर ने ये फेसबुक के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, व्हाट्सएप के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, वो कहते नहीं तबलीग तो कुरान और सुन्नत से साबित है, ये फेसबुक व्हाट्सएप ये दुनिया की बिदअत है। दुनिया की बिदअत पर कोई मुआखजा नहीं, कोई बाज पुरस नहीं, ये बिदअत दुनियावीया है या बिदअत लुगविया है, ये इस्तेलाहात इस्तेमाल की जाती है, बिदअत लुगविया या बिदअत दुनियावीया। तो हमारे लोग परेशान हो जाते, भाई हमने तो बहुत बड़ी दलील दी थी कि ये इंटरनेट साबित नहीं है, ये साबित नहीं। वो कहते हैं ये दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी कह दें भाई ये झंडियाँ ये फिर दुनिया की चीज़ें हैं, ये लाइट्स ये दुनिया की चीज़ें हैं, अभी इन पर बात नहीं करते, इनको बिदा हसना बाद में साबित करेंगे, पहले असल की तरफ आओ। असल क्या है? मिलाद मेरे आका ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया। 30,000 का मजमा है, हदीस का रेफरेंस लिख लीजिए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल फरमाया, इमाम तबरानी ने अल मुअज्जमुल कबीर में इस हदीस को नकल फरमाया, इमाम हैसमी ने मजमा ज़वायद में इस हदीस को नकल फरमाया, इमाम ज़हबी ने सीर आलामुन नुबला में नकल फरमाया, अबू नुएम ने अल हिलिया में नकल फरमाया, इबन अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में नकल फरमाया, इमाम अस्कलानी ने अल इसाबा में नकल फरमाया, इमाम सुयूती ने खसाइस कुबरा में नकल फरमाया, इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में नकल फरमाया, इमाम कुर्तबी ने अल जामे लिल अहकाम कुरान में नकल फरमाया, इमाम हलबी ने अस्सीरा में नकल फरमाया, इब्ने कुदामा ने अल मुगनी में नकल फरमाया। मिलाद की ये हदीस 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में मिलाद बनाया, ये 12 हदीस की किताबों में साबित है।